स्थानीय निकाय चुनाव का डंका बज चुका है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा में टिकट दावेदारों की लंबी लाइन है। ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर बड़ी संख्या में दावेदार पहुंच रहे हैं। भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष का दावा है कि इस बार स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ी जीत होगी। निकाय चुनावों का डंका बज चुका है। दो चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 4 मई को होगा, दूसरा चरण 11 मई को होगा, 13 मई को परिणाम आएंगे। चटमंगनी पटवे ब्रज क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र पर लगी हैं। हमारे बीच में ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह साकिया जी मौजूद हैं। कितनी तैयारी है क्योंकि ब्रज क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी नज़र। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का जो तैयारियाँ हैं वो पूर्ण है। हम चूँकि हम साल भर काम करते हैं, हम कोई ऐसे संगठन नहीं हैं कि जो चुनाव आए तभी सक्रिय हों। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे आदरणीय योगी जी हों चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, साल भर में 24 घंटे काम करते हैं, हर समय सक्रिय रहते हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तैयारी पूरी है, हमारा संगठन बिल्कुल तैयारी में है। बहुत जल्दी ही हम कार्यकर्ताओं से अभी आवेदन ले लिए हैं, नाम शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। नेतृत्व तो जिसका टिकट करेगा कार्यकर्ता उसको लड़ाने की तैयारी में। एक लंबी लाइन है, हर वार्ड के अंदर लाइन है, मेयर के लिए भी लाइन है और तमाम जगह लाइन दिखाई दे रही है, तो इसके इतना छाँटना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, छाँटना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कार्यकर्ता हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, प्रभावशाली है, उसका जगह जगह प्रभाव है, तो बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं। लेकिन हमारा कार्यकर्ता इतना निष्ठावान है, इतना त्यागी है, इतना समर्पित है, जिसको पार्टी नेतृत्व टिकट दे देगी उसको चुनाव लड़ा देगा। गुस्से में कोई कार्यकर्ता आ जाता है तो गुस्सा कैसे शांत होगा? गर्मी भी बढ़ रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा करेगा फिर मान जाएगा थोड़ी बहुत देर। घर परिवार में ये सब सामान्य बातें हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, सब मिलकर काम करेंगे। ब्रज क्षेत्र में निकाय नगर निगम की कितनी सीटों भारतीय जनता पार्टी मान? भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की 6 सीटें हैं। 6 के 6 सीटें हम जीतने जा रहे हैं नगर निगम की। 139 हमारे यहाँ नगर पालिकाएँ हैं। मैं समझता हूँ लगभग 35 नगर पालिकाएँ हम लोग जीतेंगे कम से कम। टाउन एरिया 114 हैं, अधिकतम टाउन एरिया में भी भाजपा चुनाव जीतने जा रही है। दूसरे दल कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैदान में नहीं है, संगठन नहीं है, लोगों का भरोसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं उन पर आज देश की जनता का भरोसा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी पर देश की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा है। कानून की व्यवस्था बेहतर है, तो हम लोगों ने काम किया है, लोगों की सेवा की है। उस आधार पर मैं निश्चित कह रहा हूँ कि हम ब्रज में 6 नगर निगम, 39 में से कम 35 नगर पालिकाएँ और जो हमारे नगर पंचायतें हैं 114, उसमें से अधिकतम नगर पंचायतें और वार्डों में बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। किस दल से आप टक्कर मान के चल रहे हैं? हम किसी दल से टक्कर नहीं मान रहे हैं, और टक्कर तो तब होना जब किसी की तैयारी हो। चुनाव तो बाकी जो हो रहा है वो होने दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी जीत स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। कितनी बड़ी जीत होगी इसका पता मतगणना के बाद, यानी कि 13 मई को चलेगा। इंतजार करना होगा 13 मई का। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।